हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सा समर ड्रेस। ये हमने यहाँ पे कॉटन के कपड़े से बनाया हुआ, और ये देखिए हमारे निकर के साथ हमने इस तरीके की डिजाइनर चोली भी बनाई हुई है, और ये हमने देखिए कान्हा जी की कैप बनाई हुई है। ये आप ड्रेस 5 नंबर और 4 नंबर कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। मैं आपको 5 नंबर कान्हा जी को यहाँ पे पहना के दिखा रही हूँ। इसमें हमने इलास्टिक डाली है, तो आप इसे आराम से कान्हा जी को पहना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी पहनाने में। ये देखिए बहुत इजी तरीके से आ भी जाएगी कान्हा जी को, और बस हमें ये इस तरीके से यहाँ से कान्हा जी को पहना देंगे। ये हमारे गले में इस तरीके से बन जाएगी, और इस तरीके की ड्रेस कान्हा जी को गर्मी में पहनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, और काफी लोगों को ऐसी ड्रेसेस पसंद भी आती हैं आजकल। तो ये हमारे कान्हा जी की, देखिए मैंने 5 नंबर को पहना के दिखा रखी है। सेम ड्रेस आप 6 नंबर कान्हा जी को भी पहना पाएंगे, क्योंकि देखिए चोली हमारी थोड़ी सी ठीक है और निक्कर भी थोड़ा ठीक है, तो ये 6 नंबर कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगी। बल्कि 4 नंबर कान्हा जी को ये थोड़ी बड़ी रहेगी, तो आप ये ड्रेस 5 नंबर और 6 नंबर कान्हा जी को पहनाइए। ये देखिए हमारी कान्हा जी की कैप यहाँ पे सेट आ गई। तो ये हमारे कान्हा जी की देखिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस हो गई, समर ड्रेस। ये देखिए बैक साइड से भी कान्हा जी की ड्रेस का लुक कितना प्यारा आ रहा है। तो चलिए आज की ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं, बना लेते हैं कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की ड्रेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल फैब्रिक यूज कर रही हूँ। ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है, आपके पास जो भी फैब्रिक हो आप कलर वो ही यूज कर सकते हैं। और इसका देखिए मेजरमेंट देख लेते हैं। मैंने इसकी यहाँ पे लंबाई 9 इंच ली है, इसकी चौड़ाई हमने यहाँ से 4 इंच के लिए। और ये देखिए मैं यहाँ पे सिंपल मैंने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है, और इसकी देखिए हमने यहाँ पे चौड़ाई 1.5 इंच के लिए है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो हमारा फैब्रिक है इसको हम उल्टा करके रखेंगे ऐसे, और ये वाला अस्तर का फैब्रिक हम उल्टी साइड से ऐसे रखेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। अच्छा इसके बाद देखिए हम ये कपड़ा इस तरीके से खोलेंगे, और एक बार हाथ से ऐसे नाखून से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हमें ये इस तरीके से मोड़ना आगे की तरफ। ये कपड़ा हम देखिए इतना मोड़ेंगे जहां तक हमारी सिलाई की निशान है। देखिए यहाँ हमने सिलाई लगाई है, इतना हमें ये कपड़ा मोड़ देना है, और फिर ये एक बार ऐसे मोड़ देना है। अब हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे यहाँ बिल्कुल किनारी किनारी पे। अब ये जो हमारी दूसरी साइड है इसको भी हम देखिए ऐसे मोड़ेंगे। ये हमने इस तरीके से मोड़ा, और मोड़ने के बाद इसको भी हमें यहाँ पे किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है एक। अब ये देखिए हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी ऊपर की जो सिंपल सिलाई है ये हमारा बॉर्डर हम नीचे रखेंगे, और ये वाली सिलाई हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम लास्टिक लेंगे, ये देखिए लास्टिक, ये हमें बहुत पतली वाली चाहिए। ये देखिए इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ये जो कपड़ा है हमारा, इससे थोड़ा नीचे रखते हुए इस साइड में हम सिलाई लगाएंगे लास्टिक के। लास्टिक आपसे जितनी खींची जाएगी आप उतनी खींच के सिलाई लगाइए। ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे खींची, जितनी खींची जाए उतनी खींच के सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। थोड़ा सा कपड़ा हमारा किनारे पे यहाँ पे छूटना चाहिए। अब ये देखिए जो हमारी लास्टिक की दूसरी वाली किनारी है उस पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे पूरा खींच के इसे। अब ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से यह सुकड़ के इतना हो गया है, ये इस तरीके से। अब हम इसे एक साइड रखेंगे। अब हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए ऊपर का जो हमारा चोली होती है, उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक ले रही हूँ जो हमने यहाँ पे कपड़े में लगाया। इसकी मैंने लंबाई 9 इंच रखी है, और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। इसको हमें इस तरीके से डबल कर लेना है। ये हमने ऐसे इस तरीके से डबल कर लिया। डबल करने के बाद हमें ये देखिए किनारी जो है ऐसे थोड़ी सी मोड़ देनी है। इस पे हम एक सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा दी है। हमारी ये पट्टी डबल करके यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये अस्तर का फैब्रिक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लीट लगानी है उस तरीके से। ये हमने ऐसे प्लीट लगा दी। अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमने देखिए यहाँ पे ऊपर सिलाई लगा दी, और ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसे हम थोड़ा सा प्लीट्स को खोलते हुए इस तरीके से दूसरी साइड से भी लॉक कर देंगे। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे इस तरीके की
प्लीट बन के आ गई है, हमारी पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके का कपड़ा ले रही हूँ जो हमारा निक्कर के लिए हमने यूज किया था। इसकी मैं आपको चौड़ाई बता दूँ, लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लगभग हमारी 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा है। इसको हम देखिए ऐसे डबल करेंगे, मैं आपको पूरी लंबाई बता देती हूँ, वैसे आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। पूरी लंबाई मैंने इसकी 11.5 इंच ली है। इसको हमें देखिए बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से लगाना है, और ये जो ऊपर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हम कट करेंगे। कट करने के बाद ये इस पट्टी पे हमें ऐसे बिल्कुल बराबर रखना है, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये दोनों कपड़े आपस में स्टिच कर देने। ये देखिए हमारे ये इस तरीके से स्टिच हो गया। अभी क्या करेंगे, हम पट्टी इस तरीके से खोलेंगे, ये किनारी इधर मोड़ेंगे और ये वाली किनारी इसके ऊपर चढ़ाते हुए ऐसे हमें पतली सी पट्टी बनानी है। इसको हमें ऐसे सिल देना है। देखिए हमारी इस तरीके से अभी पट्टी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसकी लंबाई थोड़ी सी हमें अब यहाँ से कम करनी है। ये देखिए टोटल हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, 3 इंच पे मार्क लगा के एक सिलाई हम 3 इंच पे यहाँ से सीधी लगाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो हमारा ऊपर लास्टिक वाला हिस्सा है, इसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट पे हम इसे ऐसे यहां से जोड़ देंगे इस तरीके से। अभी देखिए हमारी बिल्कुल सीधी सीधी सी हमने यहाँ पे इस तरीके से पट्टी तैयार करके इस पे हमने चोली अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दोनों साइड की पट्टियां हैं ऐसे, इन्हें हम बराबर बराबर ऐसे रख के स्टिच कर देंगे। देखिए हमने यहाँ से स्टिच कर दिया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागे वागे हैं, कपड़ा है ज्यादा, उसे हमें यहाँ से कट कर देना है। अभी देखिए हमारा यहाँ पे इतना काम हो गया। ये हमारा इस तरीके से सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे, और मार्क लगाने के बाद इस वाले पॉइंट से जो हमारा सिलाई वाला पॉइंट है और ये हमारा जो मार्क है, इसको हमें ऐसे दोनों को बराबर पकड़ेंगे और इसमें एक वी शेप लगाएंगे। छोटा सा वी शेप का निशान लगा के इसको हमें ऐसे करके ऐसे सिलना है। चलिए हम इसे सिल लेते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ पे वी शेप हमने सिल ली है। अब हमें यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा सा कट लगाना है, बहुत ज्यादा कट नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा ही कट लगाना है। इतना कट लगाना है कि हमारा सिलाई ना कटने पाए। इसमें 4 लेयर कपड़े की है, इसलिए थोड़ा सा इसे कट करने में आप ध्यान रखें कि सिलाई ना कट जाए। ये देखिए हमारे यहाँ से कट हो गया। कट करने के बाद हमें इसे सीधा कर देना है। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से ये निक्कर वाली ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब बना लेते हैं कान्हा जी के लिए कैप। ये देखिए कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक लिया है, ये और हमारा ये बेस कलर है। इनकी मैं आपको दोनों की लंबाई और चौड़ाई नाप के बता देती हूँ। ये देखिए ये मैंने 2.5 इंच लिया है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है, और ये हमारा चौड़ाई इसकी लगभग 1.75 इंच है, मतलब 1.25 इंच के आसपास है। ये दोनों कपड़े हमें इस तरीके से एक साथ रखने, ये दोनों कपड़े बराबर बराबर हमें स्टिच कर देने। अभी देखिए हमारे यहाँ पे कपड़ा स्टिच हो गया, इसको हमें ऐसे खोल देना है। खोलने के बाद हम इसे हाथ से ही ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये वाला ग्रीन वाला कपड़ा हम थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे यहां से ऐसे सिलाई के ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
आप चाहे तो इसको फोल्ड करके इस तरीके से सीधी साइड से भी सिलाई लगाएंगे, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि सिलाई हमारी ऊपर नीचे ना जाए। इस तरीके से बिल्कुल किनारी किनारी पे लगानी है। अब ये देखिए हमारा ये पट्टी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लास्टिक लेंगे और लास्टिक लेके ये जो ग्रीन वाली पट्टी है हमारी, इस पे ऐसे यहाँ पे सिलाई लगानी है। जितना आपसे खींचा जाए आप उतना ही खींच के सिलाई लगाइए लास्टिक को। पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लिया, और पक्का करने के बाद इसे अच्छे से खींचेंगे। तो ये देखिए हमारा ये इस तरीके से हमारा स्टिच हो गया। स्टिच करने के बाद हमें ये दोनों साइड इस तरीके से पकड़नी है। देखिए ये दोनों साइड ऐसे पकड़ेंगे बराबर, और बराबर करने के बाद हमें यहां से दोनों पट्टियों को साइड से सिल देना है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए हमें यहां से थोड़ा थोड़ा करके कट कर देना है। ये हमने यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो किनारी है यहाँ पे ऐसे हमें कच्चा करना है। ये जो हमारा सिलाई के ऊपर ऊपर का हिस्सा है, हम इसे धागों को पहले कट कर देते हैं, और यहां से हमें ऐसे एक बार बांध देना है अच्छे से। अब तो ये देखिए हमारी कान्हा जी की ब्यूटीफुल सी कैप बन के रेडी हो गई है, और ये हमारे कान्हा जी का निक्कर वाली सेट बन के तैयार हो गई है। ये ऊपर हमारी फ्रिल वाली चोली हो गई है, और ये हमारा निक्कर। तो ये हमारी आज की ड्रेस है। आज की ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।